अ वेरी वार्म वेलकम टू ऑल द एस्पिरेंट ऑफ लाइब्रेरी एंड इन्फॉर्मेशन साइंस। सभी विद्यार्थियों का स्वागत है जो भी लाइब्रेरी साइंस से BLIS, CLIS, MLIS कर रहे हैं, कर चुके हैं, या आप में से कई सारे ऐसे स्टूडेंट हैं जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं। तो स्टूडेंट, आप सभी से रिक्वेस्ट है, अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक कर दें और अपने दोस्तों में भी शेयर कर दें ताकि उन तक भी लेक्चर का जो नोटिफिकेशन है वो पहुँच सके। तो इस लेक्चर में हम कवर कर रहे हैं MLIP 002, डेट इज़ प्रोजेक्ट वर्क, डिसर्टेशन वर्क। तो इससे पहले हमने दो और लेक्चर कवर कर दिए जो कि IGNOU के द्वारा आपके जो बुकलेट्स मिलता है, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है आपके प्रोजेक्ट बनाने के लिए या साइनॉप्सिस से रिलेटेड। अगर आप साइनॉप्सिस ले रहे हैं, बना रहे हैं, किस तरीके के सुपरवाइज़र आपके में होने चाहिए जो आपको गाइड करेगा, कैसे आपको साइनॉप्सिस भेजना है, कहाँ भेजना है, कैसे वेरीफिकेशन होगा, क्या डेट रहेगा, हर चीज़ हमने डिस्कस कर लिया है और कुछ पॉइंट रह गया था तो इसको हम इसका वीडियो में कवर करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो नेक्स्ट जो यहाँ पे पॉइंट है वो है लिस्ट ऑफ प्रॉब्लम एरिया फॉर प्रोजेक्ट एंड डिसर्टेशन वर्क। तो कुछ प्रॉब्लम एरियाज जो होते हैं डिसर्टेशन एंड प्रोजेक्ट से रिलेटेड, तो वो यहाँ पे डिस्कस करेंगे। एन इलस्ट्रेटिव लिस्ट ऑफ टॉपिक्स इज़ एनक्लोज टू गिव यू एन आइडिया एज टू व्हाट काइंड ऑफ टॉपिक could be selected for project work, dissertation work। यहाँ पे illustrative of topic जो है यहाँ पे appendix 1 में दिया गया है, to give you an idea, एक आइडिया देने के लिए कि किस तरीके के आपके टॉपिक्स होने चाहिए ताकि आप अपने प्रोजेक्ट एंड डिसर्टेशन वर्क के लिए सेलेक्ट करें। आप चाहें तो उसमें से भी सेलेक्ट कर सकते हैं जो अभी हम फर्दर डिस्कस करेंगे, या फिर अपने लेवल से भी कोई टॉपिक आप चूज़ कर सकते हैं। अ स्टूडेंट में टेक अप अ टॉपिक रिलेटेड टू अ कोर कोर्स और एन इलेक्टिव कोर्स ऑफ MLIS प्रोग्राम। तो MLIS जो प्रोग्राम आप कर रहे हैं, इससे जो कोर कोर्स है या इलेक्टिव कोर्स है, उनमें से भी कोई टॉपिक चाहें तो आप ले सकते हैं प्रोजेक्ट एंड डिसर्टेशन वर्क के लिए, साइनॉप्सिस लिखने के लिए। स्टूडेंट कैन सेलेक्ट अ टॉपिक विच मे हैव सस्टेनेबल स्कोप फॉर इनोवेशन और व्हाट मे ओरिजिनेटेड न्यू नॉलेज। मतलब ऐसा टॉपिक ले जिसमें आगे स्कोप हो इनोवेशन करने की और उसमें नॉलेज मतलब आप गेन कर पाए या कुछ अच्छा सा मतलब राइट अप कर पाए उसके लिए। और विच इज़ फॉर्म द इमर्जिंग एरिया ऑफ इंफॉर्मेशन नॉलेज सोसाइटी। अब यहाँ पे पॉइंट टू बी रिमेंबर, तो ये पॉइंट जो है वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आपको पता होना चाहिए। तो फॉर सबमिशन ऑफ द प्रोजेक्ट प्रपोजल, अगर आप प्रोजेक्ट प्रपोजल डेट इज़ साइनॉप्सिस, अगर आप यहाँ पे प्रोजेक्ट प्रपोजल साइनॉप्सिस अगर सबमिट करना है तो क्या क्या पॉइंट आपको दिमाग में रहना चाहिए। सेंड ओनली 1 कॉपी ऑफ प्रोजेक्ट प्रपोजल एंड रिटेन अ कॉपी विद यू। एक कॉपी आपको सेंड करना है, एक कॉपी आपके पास खुद रहना चाहिए ताकि फॉर फ्यूचर रेफरेंस आपके पास कुछ होना चाहिए। MLIP 002 शुड बी रिटन प्रोमिनेंटली ऑन द एनवलप। जो MLIP 002 है वो एनवलप के ऊपर लिखा होना चाहिए। एंड शुड बी एड्रेसेस टू, और एड्रेसेस टू कैसे मतलब कहाँ आपको भेजना है, लाइक द प्रोग्राम कोऑर्डिनेटर MLIS, फैकल्टी ऑफ लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन साइंस, स्कूल ऑफ सोशल साइंस, IGNOU मैदानगढ़ी, न्यू दिल्ली, यहाँ पे आपको भेजना है। एनक्लोजर जो इंश्योर द एनक्लोजर ऑफ द फॉलोइंग वाइल सबमिटिंग द प्रपोजल। कुछ आपको बातों के ध्यान रखना है सबमिट करने से पहले, लाइक परफॉर्मा फॉर अप्रूवल ऑफ प्रोजेक्ट प्रपोजल MLIP 002 ड्यूली फिल्ड एंड साइन बाय बोथ द स्टूडेंट एंड द सुपरवाइज़र। जो आप प्रोजेक्ट प्रपोजल आप मतलब सबमिट करेंगे उसको आपके द्वारा और आपके जो इन्विजिलेटर हैं उनके द्वारा साइन होना चाहिए। डिटेल बायो डेटा ऑफ सुपरवाइज़र जो है उनका यहाँ पे पूरा मतलब होना चाहिए और उनकी साइन होनी चाहिए उस पर। कंसेंट लेटर ऑफ द सुपरवाइज़र, उनका कंसेंट लेटर भी उसमें होना चाहिए। साइनॉप्सिस ऑफ द प्रोजेक्ट भी होना चाहिए, मतलब फाइनल जब आप सबमिट करेंगे तो। फिर साइनॉप्सिस ऑफ योर प्रोजेक्ट प्रपोजल शुड इंक्लूड, अब जो साइनॉप्सिस आप लिखेंगे उसमें क्या क्या होगा, ये तो आपका प्रोजेक्ट से रिलेटेड था। एक बार आपका साइनॉप्सिस वहाँ से मतलब क्लियर हो जाएगा कि हाँ आप इस पे लिखें, तब आप प्रोजेक्ट तैयार करेंगे। तो साइनॉप्सिस में क्या क्या होना चाहिए, लाइक टाइटल ऑफ द प्रोजेक्ट, डिसर्टेशन का टाइटल होना चाहिए आपका प्रोजेक्ट का। फिर ऑब्जेक्टिव ऑफ द स्टडी, किस ऑब्जेक्टिव से आप उस पर स्टडी कर रहे हैं। फिर रिसर्च मैथडोलॉजी जो आप यूज़ करेंगे फॉर कैरिंग आउट द स्टडी। उसके अलावा लाइक डेल्टिंग नेचर ऑफ डेटा हो गया, डेटा सोर्स हो गया, collecting methodology, tools and technique of analyzing, sampling etc. फिर tool, performance, language to be used like the design हो गया development related project से, और limitation अगर कुछ है आपके study में तो आप उसको भी यहाँ पे mention ज़रूर करें। उसके बाद है फॉर सबमिशन ऑफ द प्रोजेक्ट रिपोर्ट एंड डिसर्टेशन वर्क, तो यहाँ पे है कि कहाँ पे कैसे आपको सबमिट करना है। फॉर प्रोजेक्ट रिपोर्ट डिसर्टेशन शुड बी सबमिटेड इन ओरिजिनल A4 साइज़ पेपर, ओरिजिनल A4 साइज़ पेपर में आपको सबमिट करना है। टाइप्ड होना चाहिए, डबल जो स्पेस होने चाहिए इन द जो वहाँ पे बॉन्ड वॉल्यूम है उसमें। सेंड बाय जो सेंड करना है आपको स्पीड पोस्ट के द्वारा या बाय हैंड आप जाके वहाँ पे मतलब सबमिट करा सकते हैं। द रजिस्ट्रार यहाँ पे इग्नू मैदानगढ़ी न्यू दिल्ली। प्रोजेक्ट रिपोर्ट MLIS शुड बी रिटन प्रोमिनेंटली ऑन द टॉपिक ऑफ द एनवलप, एनवलप के टॉपिक पर आपको आपका नाम लिखा होना, मतलब प्रोजेक्ट का नाम लिखा होना चाहिए कि प्रोजेक्ट रिपोर्ट किसका है, MLIS का है। दिस विल फैसिलिटेट शॉर्टिंग आउट, मतलब वहाँ पे उनको हेल्प मिलेगा जब वो शॉर्ट आउट करेंगे। तो बिफोर बाइंडिंग द प्रोजेक्ट रिपोर्ट द स्टूडेंट शुड इंश्योर इट कंटेन द फॉलोइंग इन ओरिजिनल, आपको प्रोजेक्ट वाइंड अप करवाने से पहले आपको ये मतलब ध्यान में रखना है कि आपके पास ये सारी चीज़ें ओरिजिनल में होनी चाहिए उसमें, मतलब प्रोजेक्ट में लाइक अप्रूवल प्रोजेक्ट प्रपोजल परफॉर्मा होना चाहिए, फिर अप्रूव प्रोजेक्ट साइनॉप्सिस होना चाहिए, और सर्टिफिकेट्स ऑफ ओरिजिनलिटी दैट इज़ अपेंडिक्स 4 होना चाहिए। फिर स्टूडेंट शुड कीप अ कॉपी ऑफ द प्रोजेक्ट विद हिम और हर एज द प्रोजेक्ट रिपोर्ट और डिसर्टेशन विल नॉट बी रिटर्न टू द स्टूडेंट, तो उनके पास एक कॉपी होना चाहिए क्योंकि वो जो है वापस उनको नहीं दिया जाएगा, तो इसीलिए। तो ये पूरा था। अब देखिए अपेंडिक्स 1 में लिस्ट ऑफ एरिया ऑफ प्रोजेक्ट दिया हुआ है, डिसर्टेशन वर्क मतलब किस तरीके के टॉपिक होने चाहिए आपके, बहुत सारे यहाँ पे एग्जाम्पल दिए हुए हैं। तो इनमें से आप कोई भी एग्जाम्पल ले सकते हैं, मतलब कोई भी टॉपिक ले सकते हैं, या फिर आप चाहें तो अपने जो स्टडी मटेरियल है, जो आपका मतलब जो इलेक्टिव कोर्स है एंड कोर कोर्स है, उसमें से भी आप सेलेक्ट कर सकते हैं। तो अ लिस्ट ऑफ एरिया फॉर विच द प्रोजेक्ट डिसर्टेशन वर्क मे बी कैरिड आउट इन इज गिवन बिलो, वो दिया हुआ है लाइक देयर आर ओनली इलस्ट्रेटिव एंड नॉट एग्जीक्यूटिव लाइक स्टडी ऑफ द प्रॉब्लम एंड कंस्ट्रेन इन इनिशिएटिंग लाइब्रेरी इंफॉर्मेशन ऑटोमेशन इन डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशन, लाइब्रेरी जो रिसोर्स शेयरिंग है ये, लाइब्रेरी कंसोर्टिया इन कॉर्पोरेट लाइब्रेरी, वेरियस टॉपिक यहाँ पे है लाइक डेवलपमेंट ऑफ इंटरनेट बेस्ड कॉमन गेटवे, स्टडी ऑफ कैंपस वाइड इंफॉर्मेशन नेटवर्क, मैनी मोर थिंग स्टडी, मतलब इससे रिलेटेड टॉपिक है। देखिए ऑलमोस्ट यहाँ पे 33 टॉपिक्स दिए हुए हैं। इम्पैक्ट ऑफ ICT इन द प्रेजेंट सोसाइटी, ये अच्छा टॉपिक है एक, या क्वालिटी मैनेजमेंट ऑफ लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन सेंटर, और ऑटोमेटेड इंडेक्सिंग या वेब इंडेक्सिंग एक्सेट्रा। तो इन पर भी आप बना सकते हैं या फिर अपने लेवल पे अपने तरफ से कोई टॉपिक आप चूज़ कर सकते हैं। तो ये था पूरा इससे रिलेटेड। अब जो है यहाँ पे अपेंडिक्स 2 जिसमें परफॉर्मा है फॉर अप्रूवल ऑफ प्रोजेक्ट प्रपोजल, तो ये आपको फिल करके ओरिजिनल में इसको सबमिट करना है, मतलब ओरिजिनल इन द सेंस जब आपका प्रोजेक्ट एक बार आपका सिनेप्सिस अप्रूव हो जाएगा तो आप प्रोजेक्ट के साथ इसको लगा के आपको भेजना है। एक तो ये होगा, उसके साथ में आपको अपेंडिक्स 3 है ये भी है, कंसेंट लेटर होना चाहिए सुपरवाइज़र गाइड के द्वारा, उनका साइन होना चाहिए इसमें। फिर उसके बाद इसमें अपेंडिक्स 4 भी है, सर्टिफिकेट्स ऑफ ओरिजिनलिटी, ये भी आपको मतलब लगाना पड़ेगा। तो ये कुछ टॉपिक्स थे जो कि आपको यहाँ पे कवर करना पड़ेगा। और यहाँ पे है जो रिन्यूनरेशन बिल है फॉर गाइडलाइन ऑफ प्रोजेक्ट डिसर्टेशन वर्क, तो यहाँ पर सारी चीज़ आपको मैंशन होना चाहिए। तो ये पूरा डिटेल था इससे रिगार्डिंग। आई होप अब आपको कोई डाउट नहीं होगा, और बाकी जो डिसर्टेशन कैसे लिखते हैं, जो आपका साइनॉप्सिस कैसे लिखते हैं, उसके रिलेटेड भी वीडियो हम जल्द लेके आएंगे। तो आशा करते हैं आपको ये पूरा जो टॉपिक हमने अभी आपको एक्सप्लेन किया ये इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। कोई भी डाउट हो तो अभी भी अगर कोई डाउट रह गया हो, हालांकि सब कुछ एक्सप्लेन कर दिया गया है बट फिर भी कोई डाउट रह गया हो तो आप बेझिझक कमेंट कर सकते हैं, और क्या डाउट है आप उसमें मतलब कमेंट में बता दे ताकि हम उसके ऊपर एनालाइज करें। अगर ऐसा कुछ है तो हम नेक्स्ट एक बार और मतलब कुछ और रिलेटेड वीडियोस जो है इससे लेके आएंगे। बाकी जो साइनॉप्सिस कैसे लिखना है वो हम वीडियो जल्द लेके आने वाले हैं। तो आप लोग मतलब जो भी प्रिपेयर कर रहे हैं या जो मतलब अभी देख रहे हैं किसी भी मतलब ईयर के हैं, आप सबके लिए है ये लेक्चर, क्योंकि जो साइनॉप्सिस कैसे लिखते हैं ये प्रोजेक्ट वर्क जो है ये हमेशा ही रहता है। तो आप सभी के लिए है, तो प्लीज़ करके ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें इस वीडियो को ताकि और भी स्टूडेंट तक पहुँच सके। तो मिलते हैं आप सभी से नेक्स्ट लेक्चर में किसी अलग टॉपिक के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।